हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एट यू। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, देखिए ऐसे नॉर्मल जो वाटर हम पीते हैं वो जो और जो कहा जाता है कि सरफेस वाटर, उसका पीएच वैल्यू होता है 6 से लेकर 8.5 तक। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दी गई है। यहाँ पे बोला है कि प्योर वाटर की बात जब आएगा, यानी कि उसका नो एसिडिक नो एल्कलिनिटी नेचर होगी, यानी कि उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो पीएच वैल्यू होगा इक्वल टू 7। प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्रिट्रियम आर ऑल फॉर्म्स ऑफ व्हिच एलिमेंट, ये हो गई है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो तीन आइसोटोप है उसको बोलते हैं प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्रिट्रियम। इफ बिफोर इज कोडेड एज दिस वन एंड द जंगल इज कोडेड एस ओके, सो बिफोर को अगर इस तरह लिखा जाए तो जंगल को किस तरह लिखा जाएंगे। देखिए पहला है बी, बी को कहाँ ले गया, थर्ड लेटर पे। सो जे को कहाँ ले जाना है, थर्ड लेटर पे। देखिए थर्ड लेटर में ऑप्शन ए में थर्ड लेटर में जे है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस तो मेरा ऑप्शन हो गया ए सही आंसर, ये सब गलत हो गया। तुलसीदास वॉज ए कॉन्टेम्पोररी ऑफ, तुलसीदास कंटेम्पोररी था, वो अकबर की जमाने की कंटेम्पोररी है। तुलसीदास एक बहुत सारा किताब लिखे हैं, कवि है, जो हम लोग अभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो हनुमान चालीसा इसी की लिखा हुआ है, तुलसीदास ही लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हनुमान चालीसा का राइटर कौन है, ये भी है तुलसीदास। द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज ऑब्जर्व ऑन, ये सब जितना सारा डे है ये डे आपको याद रखना पड़ेगा। ये बायोडाइवर्सिटी डे है 22 मई, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। द पर्सन हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सरकम नेविगेट ग्लोब सोलो एंड नॉन स्टॉप ऑन सेलबोट, यानी कि जो पहला इंडियन पूरे पृथ्वी को अपने बोट से घुमा विदाउट एनी स्टॉपेज, यानी कि नॉनस्टॉप वो टोटल अर्थ को घूम लिया, लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टॉमी, जिसको ये घूमने के लिए जो टोटल टाइम कंज्यूम किए थे वो था 150 डेज उसको लगा था ये टोटल घूमने के लिए। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब कौन सी नंबर नहीं है, 216 ये 6 का क्यूब है, 243 किसी का क्यूब नहीं है, 343 होता है 7 का क्यूब, यानी ऑप्शन सी। हालांकि 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब याद रखना होगा ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बहुत अच्छा से आपको याद कर लेना है ताकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम आपको ना लगे, कहे कि आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं दिया जाएगा, सो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ करने के लिए सबसे अच्छा जो सॉइल होता है वो होता है ह्यूमस सैंड एंड क्ले, ये वाला सॉइल। इफ 3/5 ऑफ ए सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, हाउ मच मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द हाफ ऑफ इट, देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है ये। 3/5 सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, अगर 1 मिनट में 3/5 फिल अप हो जाता है तो कितना बचता है, 1 - 3/5 यानी कि 2/5। अब देखिए 3/5 फिल होता है 1 मिनट में, सो 1 जो फुल फिल होगा वो 5/3 टाइम में होगा, 5/3। अब 5/3 में पूरा के पूरा फिल हो जाएगा, लेकिन मेरा कितना अब फिल करना चाहिए, कितना बचा, 1 - 3/5 यानी कि 2/5। अब 2/5 फिल करने के लिए टाइम जो लगेगा उससे 2/5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2/5 अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 और 5 ये कट जाएगा, यानी कि 2/3। 2/3 क्या है, मिनट। अब इसको सेकेंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 60 देके इसका मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से अगर 60 मल्टीप्लाई करें, यानी कि यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब 60 से जो मल्टीप्लाई किए तो 3 × 60 यानी कि यहाँ पे होगा 20, सो 20 और 2 यानी कि 40 आंसर आएगा मेरा, ऑप्शन ए।
ऑन इक्विनॉक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स, इक्विनॉक्सेस जो है उसमें हर ईयर दो ही दिन 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो दिन जो डे और नाइट का जो टाइम होता है वो इक्वल होता है, यानी कि द ऑप्शन होगा डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल ड्यूरेशन, ये ऑप्शन सी सही आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज वेयर प्रोमोटेड फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवे, शिप और रेलवे की जो ट्रीज यूज होती है वो होता है टीक एंड साल, टीक एंड साल जो ट्री होता है उस ट्री को लेके शिप्स एंड रेलवे की काम होती है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years इज ₹45, द प्रिंसिपल अमाउंट इज, सो प्रिंसिपल अमाउंट इसका होगा, इसको थोड़ा करना पड़ेगा जो इसके बारे में हम एक वीडियो भी बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ताकि एक और दो क्वेश्चन तो इसमें आने ही, सो फिलहाल इसका आंसर बोल देते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4000। अब कैसे हुआ ये हम मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पर आप पूरा के पूरा ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉज ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के लिए देखिए रेनफॉल के लिए इवापोरेशन भी जरूरी है, कॉन्डेंसेशन भी जरूरी है, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा बोथ ए एंड बी। गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड इन 1931 टू अटेंड द, देखिए गांधी जी इंग्लैंड में जाके जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उस कॉन्फ्रेंस में एक ही कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे, वो थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 में हुआ था, और उस टाइम इंडिया का जो वाइस रॉय थी वो था आरविन, और आरविन के साथ गांधी आरविन पैक्ट हुआ था जो कि फेलियर भी हुआ था। अ बोट्समैन गोज 2 किमी अगेंस्ट द करेंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 hour एंड गोज 1 किमी अलोंग द करेंट इन 10 minutes, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किमी इन स्टेशनरी वाटर। देखिए इसको ऐसे किया जा सकता है, देखिए बोटमैन 2 किमी अगेंस्ट द करेंट ऑफ स्ट्रीम इन 1 hour, यानी कि जो इसका अगेंस्ट में जो इसका वेलोसिटी है वो है 2 किलोमीटर पर आवर, और जो इन फॉर करेंट के साथ जो उसका वेलोसिटी है वो 1 किमी अलोंग द करेंट यानी कि 10 मिनट्स। अब 10 मिनट में 1 किमी वो चला जाता है, यानी कि अगर हम आवर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट यानी कि 6 किमी जाएगा। तो अलोंग द करेंट हो गया वेलोसिटी 6 किमी और अगेंस्ट द करेंट हो गया 2 किमी, यानी कि अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आएगा 6 + 2 यानी कि 8 सम। अब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/2 यानी कि 4, सो एवरेज वेलोसिटी हो गया 4। अब बोला कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किमी इन स्टेशनरी वाटर, सो 1 hour में वो 4 किमी चलता है तो 5 किमी जाने के लिए कितना लगेगा, 1/4 टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 1 hour उसके साथ 15 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 1 hour 15 मिनट। ऑस्ट्रेलिया वोन सुल्तान अजलान सा हॉकी टूर्नामेंट 2013, देखिए सुल्तान अजलान सा हॉकी टूर्नामेंट जो होता है वो नेदरलैंड में होता है, और जिस स्टेडियम में ये हॉकी टूर्नामेंट होता है उस स्टेडियम का भी नाम है सुल्तान अजलान सा स्टेडियम। 2013 में जो ऑस्ट्रेलिया वोन किया था वो ऑस्ट्रेलिया की 7th time विनिंग था, 2013 का विनिंग। The third battle of Panipat was fought between battle of Panipat, तीनों हुआ था, first battle of Panipat, second battle of Panipat, third battle of Panipat। First battle of Panipat हुआ था बाबर एंड इब्राहिम लोदी जो कि 1526 में हुआ था। Second battle of Panipat हुआ था अकबर एंड हिमू, हालांकि अकबर का नाम इसमें नहीं आता है, उसमें उसका जो रेजेंट था बैराम खा के साथ हिमू का हुआ था, बैराम खा और हिमू के बीच वो हुआ था 1556। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो हुआ था 1761 साल में, वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली एंड विथ मराठा, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा।
द लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल जो नोमेनक्लेचर होता है स्टैंडर्ड, वो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में लैटिन लैंग्वेज यूज किया जाता है. हु हैज ओन द गोल्डन बॉल इन चैंपियंस ट्रॉफी 2013? 2013 का जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था उसमें गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला था? गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था रविंद्र यादेजा को. गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिलता है? जो उस पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट जो टेक करता है उसको गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है. वो दिया गया था 2013 में रविंद्र जादेजा को. नेक्स्ट अरेंज देखिए, 2x3, 4x5, 1x2, 3x4 इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है. डिसेंडिंग यानी कि धीरे धीरे वो घटते जाएगा. अब धीरे धीरे घटते जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, एरो देके दिया हुआ है, तो कौन सा सही रहेगा? देखिए पहले इसको करने के लिए 2x3 अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.6, 4x5 0.8, 1x2 0.5, 3x4 0.7. यानी कि सबसे जो छोटा है वो है 0.5. सो 0.5 एकदम लास्ट में, उसके बाद 2x3 यानी कि 0.6, उसके बाद 3x4 0.7, उसके बाद 4x5 0.8. तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा. द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है ऑस्ट्रिच, जिसको ऊंट पक्षी भी कहा जाता है. ऑस्ट्रिच होता है लार्जेस्ट लिविंग बर्ड. हु इज जूलियन असेंज, इसका पूरा नाम है जूलियन पॉल असेंज. जूलियन असेंज है फाउंडर ऑफ विकिलीक्स. विकिलीक्स क्या है? विकिलीक्स एक वेबसाइट बोल सकते हो, एक मीडिया बोल सकते हो, जो कि बहुत सारा ऐसे चीज जो दुनिया के सामने अनजान है, दुनिया के सामने अभी तक नहीं आया है, वो उस तरह का कुछ न्यूज, कुछ तरह वीडियो, इमेज ये लीक करता है थ्रू इंटरनेट. हालांकि ये पहले उतना फेमस नहीं था, 2005 में एस्टैब्लिश किया था विकिलीक्स, लेकिन 2009 के बाद इसका बहुत फेमसिटी आ गया. अब देखिए उसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं. फाउंडर ऑफ गूगल, गूगल का फाउंडर कौन है? गूगल का फाउंडर है लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन. फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये तो हम सभी जानते हैं, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट था बिल गेट्स एंड पॉल एलन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायोलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो कि 21 आर्टिकल है, उसके तहत क्या हो सकता है, या क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायोलेशन, कौन सी वो वायोलेशन है राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी की. देखिए, द अरेस्टेड पर्सन इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट. हाँ, जरूर बताना पड़ेगा. ही इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट. हाँ, ये भी सही है, लेकिन उसमें आने जाने की जो टाइम है वो टाइम एक्सक्लूडेड है इस 24 आवर्स के अंदर. ही इज नॉट अलाउड टू कंसल्ट हिज लॉयर. नहीं, ये गलत बात है, यही आंसर होगा, ये वायोलेट हो रहा है. ही मस्ट बी अलाउड टू कंसल्ट हिज लॉयर. ही इज शोन द वारंट बिफोर अरेस्ट, ऑब्वियसली. सो आंसर सी मेरा सही रहेगा. फाइंड द नंबर व्हिच इज एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108. अब देखिए इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको करने के लिए 108 और 84, लेकिन बोला है कि 84 से जितना ज़्यादा होगा 108 से उतना ही कम होगा, मतलब एवरेज लेना होगा. 108 और 84 को अगर हम माइनस करें, 108 बटा 84 यानी आ गया मेरा 24. अब 24 का अगर हम एवरेज लेंगे तो हो गया मेरा 12. सो 84 से अगर 12 हम ऐड करें तो आएगा 96, और दूसरी तरह हम बोल सकते हैं 108 से अगर 12 माइनस करें तो भी 96 आएगा. यानी ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा. आनंदमठ, दुर्गेश नंदिनी एंड कपालकुंडला नॉवेल्स वेयर ऑथर्ड बाय व्हिच बंगाली राइटर. ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने. ए मैन पेज ऑफ 3/20 ऑफ हिज डेट एवरी मंथ.
एट द एंड ऑफ सिक्स मंथ्स हिज बैलेंस डेट इज रुपीज 290. हाउ मच डेट इन रुपीज हैज ही क्लियर्ड ऑफ एवरी मंथ. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो करना है, देखिए 320th हम मान लेते हैं उसका जो टोटल डेट था वो था x. अब 320th करके हर एक महीना में वो पे करता है तो हर एक महीना में कितना अमाउंट होता है 3x/20. अब 6 महीना पे किया यानी कि 3x/20 × 6 यानी कि 18x/20 टोटल पे किया. अब टोटल पे करने के बाद भी उसको 290 रुपीस बैलेंस है यानी कि ये भी अभी देना पड़ेगा यानी कि 18x/20 प्लस 290 इक्वल्स टू x. देखिए 18x/20 प्लस 290 इक्वल्स टू x, सो यहां से x कितना आ जाएगा 2900. सो टोटल क्लियर अमाउंट कितना है, कितना क्लियर किया 6 महीने में, कितना दिया 2900 रुपया वो टोटल डेट लिया था, उसमें से 290 अभी भी बैलेंस है यानी कि 290 घटाना पड़ेगा यानी कि आएगा 2610. अब मुझे क्या पूछा है, हाउ मच डेट हैज ही क्लियर्ड ऑफ एवरी मंथ. अब एवरी मंथ 6 महीना वो पे किया था तो 2610/6 यानी कि 435. ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा. Which one of the following type of forest is found in the Ganga Brahmaputra Delta? Ganga Brahmaputra Delta जो होता है उसमें tropical rainforest देखा जाता है. Maximum tropical rainforest उसमें दिखाया जाता है. The SI unit of force. Force का SI unit क्या है? Force का SI unit होता है Newton. Force के CGS जो unit है वो होता है dyne. और जूल जो है, जूल होता है एनर्जी का SI unit. यानी कि बोल सकते हो कि वर्क कार्य का एसआई यूनिट भी बोल सकते हो, एनर्जी का एसआई यूनिट भी बोल सकते हो, वो होता है जूल. और सीजीएस यूनिट होता है वर्क या एनर्जी का कैलोरी. एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय. जो नेशनल इनकम होता है उसका जो एस्टिमेट करते हैं वो कौन करता है, वो करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और जिसको कहा जाता है CSO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मॉनिटरी केस वो बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है. टोटल इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड करता है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करता है. प्लानिंग कमीशन प्लानिंग बनाता है, 5 ईयर्स प्लानिंग जो है वो बनाता है. सेकुलरिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मींस दैट. सेकुलरिज्म मतलब सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियन. ऑब्वियसली रिलीजियन इज रिगार्डेड एज ए प्राइवेट अफेयर ऑफ ए सिटीजन. ऑब्वियसली रिलीजियन हर एक का प्राइवेट चीज है, सिटीजन के रिलीजियन में, रिलीजियन के ऊपर नहीं है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताती है. यानी कि ऑप्शन जो होगा वो होगा बोथ ए एंड बी. मादुराई वॉज द कैपिटल ऑफ द. मादुराई कैपिटल था पांडवों का यानी पांड्यास. इफ ड्राइवर इक्वल्स टू 12, पेडेस्ट्रियन इक्वल्स टू 20, एक्सीडेंट इक्वल्स टू 16, देन कार इक्वल्स टू. देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसमें कई बार ये भी मतलब करना पड़ता है कि डी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर कितना है. जैसे डी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है 4, उसी तरह आर का अल्फाबेटिकल ऑर्डर और ये सभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ऐड करने के या मल्टीप्लाई या कुछ भी करने के बाद वो जो लेटर ये देता है. लेकिन यहाँ पे 12 दिया है मतलब ऐसे नहीं होगा. तो देखिए इसमें कितना टोटल लेटर है, इसमें टोटल लेटर है 3, 3, 6, 12 दिया है यानी 6 × 2 यानी 12. इसमें कितना दिया है, इसमें दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 × 2 = 20. इसमें दिया है 8, 8 × 2 = 16. सो देन कार में कितना लेटर है, 3 लेटर है. सो 3 × 2 यानी कि 6 आंसर होगा सही आंसर.